कैसे हो आप सब, बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूं, पहले इसको देखो। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अब यहां पे इस वीडियो में जो आपने देखा और जो सुना, इलोन मस्क भैया ने जो आपको यहां पे कहा है, वो चीज यहां पे सैमसंग वाले लोग ने देना शुरू कर दिया। हो सकता है आगे आपको काफी चीज देखने को मिले। अब ये कितना डेंजरस है ये मुझे नहीं पता, बट यहां पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफी कमाल के, और इसी फीचर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको सैमसंग S24 सीरीज में देखने को मिलता है। तो काफी म्यूजिकल फीचर्स यहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ, यहां पे जो भी फीचर्स आप लोगों को बताया वो ये सैमसंग S24 में देखने को मिलता है, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये फीचर्स देखने के बाद मेरा दुनिया ही पलट गया। बट वीडियो पढ़ने तो आप लोग पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है, और वीडियो का पूरा देखने में अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं सैमसंग S24 सीरीज के AI फीचर्स के बारे में जो आपकी दुनिया पलट कर रख सकती है। देखो, पहली बात यह है कि अगर आप लोग S24 लेना चाहते हो, अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो S23 से S24 में या S24 प्लस में, अल्ट्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, S24 प्लस या S24 में अगर अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये वीडियो में जाके जरूर देखना भाई। ये वीडियो पे आप लोग को सारा चीज देखने को मिलेगा कि भाई आप लोग अपग्रेड कर सकते हो या नहीं, या S24 या S24 प्लस कैसा फोन है। यहां पे मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको सिर्फ सैमसंग S24 सीरीज में देखने को मिलता है, और ये फीचर्स जो है काफी कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को लेके ही हाइप किया गया था कि यहाँ पे AI फीचर्स दिया गया, और सही में भाई काफी कमाल का यहाँ पे AI फीचर्स दिया गया है। वैसे तो कई सारे फीचर्स यहाँ पे AI फीचर्स आपको छोटे छोटे देखने को मिल जाएंगे सैमसंग S24 सीरीज में, बट यहाँ पे मैं 5 मेन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको भी देख के हैरान होगा कि भाई इतने अच्छे फीचर्स और ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री कहाँ जा रहा है। अब हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन कोई अदर ब्रांड निकाले जैसे OnePlus या Xiaomi, वो जो है ये फीचर्स आप लोग को शायद उसमें देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई सैमसंग वालों ने निकाल दिया है। हो सकता है इसको कॉपी करते हुए आपको अन्य ब्रांड भी, अदर ब्रांड भी देखने को मिल जाए, ये फीचर्स डाल दे अपने फोन में, बट यहाँ पे अभी तो फिलहाल आपको सैमसंग S24 सीरीज में ही ये फीचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है वॉइस AI। अब वॉइस AI क्या है? वॉइस AI ये है कि भाई मान लो कि जैसे आप कहीं फोन लगाए हो और रशिया में जैसे आप फोन लगा दिए हो, तो अगला जो बंदा उठाया है फोन उसको इंग्लिश भी नहीं आता है और हिंदी तो आता ही नहीं है, तो वो जो है आपसे रशिया में बात कर रहा है, बट आपको रशिया नहीं आता है भाई, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, तो आप जो है उसको इंग्लिश में आप रशिया तो आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे वॉइस AI कैसे काम कर रहा है मैं आप लोग बता दे रहा हूं। यहाँ पे एक वॉइस AI का सिंबल है, उसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा कि वहां से रशिया में आपको बोला जा रहा है, बट यहाँ पे आपको सुनाई पड़ेगा फोन में इंग्लिश में, ठीक है? तो आपको रशिया टू इंग्लिश पहले डाउनलोड करना पड़ता है, मतलब कि पहले लैंग्वेज आपको डाउनलोड करना पड़ता है। काफी सारे लैंग्वेज अभी उसमें अवेलेबल नहीं है, समथिंग 12 या 11 या 12 लैंग्वेज अवेलेबल है, तो वो आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, और आगे आने वाली अपडेट में आपको और भी लैंग्वेज उसमें ऐड होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सब डाउनलोड करना पड़ेगा। अब अगर आप AI फीचर्स को ऑन करते हो, वॉइस AI फीचर्स को, तो ये क्या करेगा, आपको जो अगला जो वहां आप जिसको कॉल किए हो वो रशिया में आपसे बात कर रहा है, बट आपको सुनाई पड़ेगा इंग्लिश में। अगर आप हिंदी किए हुए तो हिंदी में सुनाई पड़ेगा, तो आप भी अब उसको इंग्लिश में रिप्लाई करोगे तो उसको रशिया में जाएगा, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, अगला जो है रशिया में मुझसे जैसे कोई अदर लैंग्वेज बोल रहा है, बट यहाँ पे जब मैं AI फीचर्स ऑन कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे मुझे सुनाई पड़ रहा है। यहाँ पे ये फीचर्स को चेक किया गया तो ये काफी फास्ट काम कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कितना देरी में ये कन्वर्ट होके आ रहा है। तो ये कन्वर्ट होके आपको इंग्लिश में सुनाई पड़ेगा, ठीक है? अब आप इंग्लिश में उसको बोलोगे तो वो कन्वर्ट होके वहां पर रशिया में उसको सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा कि आप लोग की जो बात है वो भी हो जाएगी, कन्वर्सेशन भी हो जाएगी, और दोनों जन को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये काफी कमाल का फीचर्स है, और काफी यहाँ पे भाई देख सकते हो आप लोग स्मार्टफोन की इंडस्ट्री कहां जा रही है और AI कहां तक पहुंच रहा है। अब आने वाले दिन में आप सोचो AI कहां कहां तक पहुंचेगा, और भी कई सारे फीचर्स मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, बट ये वॉइस AI का फीचर्स मुझे काफी तगड़ा लगा, काफी अच्छा लगा। यहां पे नोट्स AI का फीचर्स मिलता है। अब ये नोट्स AI का तो काफी सारे ऐप निकला है, मैं आप लोग बोल रहा हूं कई सारे प्ले स्टोर में ऐसे ऐप है जो कि बेसिकली ज्यादा करके पेड ऐप है। यहाँ पे सैमसंग वाले लोग ने क्या है, यही चीज जो है आपको सैमसंग S24 में दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री में दे दिया गया है। और यहाँ पे आप जो है टॉपिक वगैरह जो सर्च करके, तो आप यहाँ पे सारा स्क्रिप्ट वगैरह निकाल सकते हो, AI आपको जनरेट करके सारा चीज देगा।
बट यहाँ पे एक चीज और है कि मान लो कि कोई एक स्टोरी है, ठीक है, एक जैसे कि 4-5 पेज का कोई स्टोरी है या कोई रिटन ब्लॉग है, आप उस चीज को जो है आप सिलेक्ट करके जो है समराइज कर सकते हो, वो एक छोटा में आपको समराइज करके दे देगा, आपको लिख के दे देगा, वो चीज को आप आराम से देख के समझ सकते हो। तो ये चीज है, और भी कई सारे इसमें नोट्स के एआई फीचर्स यहाँ पे दिया गया है, ये भी काफी कमाल का फीचर्स है, काफी प्रोफेशनल फीचर्स भी ये मुझे दिख रहा है नोट्स का एआई फीचर जो सैमसंग S24 सीरीज में आपको मिल रहा है। इमेज सर्च एआई चौथा फीचर्स है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि देखो ये फीचर्स तो पहले से भी है, अगर आप गूगल में जाओगे तो गूगल में अगर आप कोई फोटो सिलेक्ट करके सर्च करोगे इमेज, तो वो भाई सर्च हो जाएगा और वो उसी प्रोडक्ट को दिखा देगा, भाई प्राइसिंग दिखा देगा, वेबसाइट में ले जाएगा आपको, ये सारा चीज तो आप लोग गूगल में देखे हुए हो। हम लोग को गूगल में अपलोड करना पड़ता है, सिलेक्ट करके डालना पड़ता है, उसके बाद वो सिलेक्ट वो जो है दिखाता है। बट यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया गया, भाई कहीं से भी आप ड्रॉ कर दो सर्कल, वो इमेज डायरेक्ट उठा के आपको दे देगा। इसके लिए आपको होम बटन में जाना पड़ेगा, होम बटन में दबा के आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा उस चीज को, फीचर्स को, और उसके बाद जहां भी आप सर्कल लोगे, जहां भी आप पूरा उसको सर्च करोगे, तो वो भाई कहीं से भी आपका अगर होम स्क्रीन में अगर देखोगे तो भाई यहां से वो आपको उठा के दे देगा। कहीं से भी आप जो है सर्च करोगे तो वो आपको जो है सर्च करके दे देगा कि भाई ये प्रोडक्ट कितनी प्राइस है, इस प्रोडक्ट आपको कहाँ अवेलेबल है, क्या क्या कलर्स है, सारा चीज यहाँ पे आपको दे देता है। तो ये भी फीचर्स काफी कमाल का है, इमेज एआई फीचर्स, जहां से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लो, अब कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, मान लो कहीं पे आपको सीनरी का इमेज देखे, बस वहां पे होम बटन से आपको एक्टिवेट करना है, उस इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है सारा चीज यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये कौन सा जगह है, कहाँ जगह है, कैसे जा सकते हो, कितने खर्च है, कौन से एरिया में, कौन से, सारा चीज आपको यहाँ पे उठा के ये दे देगा आपको डायरेक्टली, और ये इनबिल्ट है सैमसंग S24 सीरीज में। अब भाई ये एक फीचर जो है ये भी काफी कमाल का फीचर है, और ये मुझे देख के पर्सनली काफी शॉकिंग हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि आने वाले दिन में एआई क्या क्या कर सकता है। मतलब कि ये एक इमेज एडिटिंग फीचर्स है एआई का, और यहाँ पे क्या है कि मान लो कि कोई इमेज है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को जो इमेज दिखा रहा हूं, बास्केटबॉल, आप देख सकते हो कि कहां से बास्केटबॉल फेंका जा रहा है, बट यहाँ पे अगर एआई फीचर्स को ऑन कर देते हो तो ये बंदे को आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, लेफ्ट राइट जहां करना कर सकते हो। जैसे कि देखो ये दूसरा फोटो है, ये जो है ऊपर कर दिया गया है बंदे को कि ऊपर से ये बास्केटबॉल फेंक रहा है, बट ओरिजिनल फोटो जो है वो नीचे से बास्केटबॉल फेंक रहा है, बट यहाँ पे इसको स्लाइड ऊपर कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बास्केटबॉल फेंका जा रहा है। बट इस चीज को लेके काफी आश्चर्यजनक मुझे ये लगा कि भाई कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि इमेज को कन्वर्ट किया गया है, मतलब कि इतने अच्छे तरीका से एआई यहाँ पे काम कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया गया है कि जैसे पहले जो आपको इमेज जो क्लिक ओरिजिनल इमेज क्लिक किया हुआ है वही सेम इमेज जो है आपको एआई बना के दे रहा है, बट यहाँ पे आपको बस बंदे को जो है उठा दिया गया है, यानी कि ऊपर कर दिया गया है, और बिल्कुल बैकग्राउंड वगैरह में कुछ पूरा क्लियरिटी है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ किया गया है यहाँ पे। लेकिन आप दोनों फोटो देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों क्लिक किया गया है फोटो, बट एक पहचान है यहाँ पे। अगर आप मान लो कि कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ओरिजिनल कौन था, एआई का जनरेटेड कौन था, तो आप गैलरी में जाओगे और जब दोनों को खोलोगे तो जो ओरिजिनल रहेगा उसमें ये एआई का सिंबल नहीं रहेगा, बट जो एआई वाला जनरेटर रहेगा उसमें ये सैमसंग का एआई का सिंबल रहेगा, मतलब समझ जाओ कि ये आप जनरेट किए हुए थे एआई से और ये जनरेटेड वाला पिक्चर है। तो ये एक पहचान है जिससे आप पहचान सकते हो। और भी कई सारे इमेज के एडिटिंग के फीचर्स मिलते हैं, वीडियो एडिटिंग के फीचर्स, एआई फीचर्स मिलते हैं, बट ये फीचर्स भाई सॉलिड फीचर्स है, कमाल के फीचर्स है, काफी तगड़ा यहाँ पे एआई काम कर रहा है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो कि काफी शॉकिंग, काफी बिल्कुल अलग फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो कई सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं एआई के, छोटे छोटे कई सारे फीचर्स हैं सैमसंग S24 में, अगर आप S24 सीरीज लोगे, S24 अल्ट्रा लोगे, तो उसमें कई सारे फीचर्स मिल सकते हैं, जिसमें मेन फीचर्स मुझे हाईलाइटेड फीचर्स लगा, और ये हो सकता था कि भाई ये जो फीचर्स है ये काफी कमाल का डेंजरस फीचर्स यहाँ पे आप लोग को सैमसंग S24 सीरीज में मिल गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप लोग एक अच्छे से लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं, तो नोटिफिकेशन को अगर ऑल करोगे तो वीडियो आप लोग तक पहुंचेगा, तो आप लोग भी इसको एंजॉय कर पाओगे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक जस्ट टेक केयर, अपना ख्याल रखना।